दोस्तों, यदि आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। यदि आपने पीएनबी वन एप्लीकेशन में पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन काफ़ी लंबे समय तक आपने पीएनबी वन एप्लीकेशन का यूज़ नहीं किया है, तो ऐसे में होता ये है कि आपके मोबाइल से पीएनबी वन ऐप टेम्प्रोरी रूप से डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल के अंदर पीएनबी वन ऐप को ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, योर यूजर आईडी हैज बीन एक्सपायर ड्यू टू नॉन यूजेज फॉर मोर देन 180 दिन। यानी मैंने अपने मोबाइल में पीएनबी वन ऐप का यूज लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया, यूज ही नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा यूजर आईडी एक्सपायर हो गया है। प्लीज़ रीसेट योर पासवर्ड यूजिंग फॉरगॉट पासवर्ड लिंक और विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच। यानी हमें अभी पीएनबी वन ऐप का यूज करने के लिए फॉरगॉट पासवर्ड करना पड़ेगा या फिर किसी भी पंजाब नेशनल बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में जाकर पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल से ही फॉरगॉट पासवर्ड करके दोबारा से पीएनबी वन ऐप को एक्टिवेट करेंगे। तो चलिए ओके पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं भी फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए एक ऑप्शन है ट्रबल साइनिंग इन। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जिनमें से पहला ऑप्शन है फॉरगॉट एम पिन, दूसरा है फॉरगॉट रीसेट पासवर्ड, चेक योर यूजर आईडी। तो हमें यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड करना है, तो इसके लिए हम फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मांग रहा है यूजर आईडी, तो यदि आपको यूजर आईडी पता है तब तो आप यूजर आईडी डाल दीजिए, नहीं तो आप अपने बैंक के पासबुक में देख कर भी यूजर आईडी डाल सकते हैं। दरअसल ये यूजर आईडी हमारे पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट का कस्टमर आईडी है। तो यूजर आईडी डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ इंटर ओटीपी में डाल देना है। ओटीपी डालकर कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें अपने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम कार्ड नंबर को डालना है, नीचे में अकाउंट नंबर डालना है और उसके नीचे दिया है एटीएम पिन, तो ये सब हमें डाल देना है। नीचे लिखा है कंटिन्यू, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपको क्या चेंज करना है, लॉगिन पासवर्ड या ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो हमें यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड चेंज करना है, तो इसलिए हम चेंज लॉगिन पासवर्ड इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक नया लॉगिन पासवर्ड तथा सेम उसी पासवर्ड को कन्फर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड इसमें डाल देना है। और पासवर्ड कैसे बनाना है, यहाँ लिखा है व्यू पासवर्ड पॉलिसी, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि पासवर्ड कैसे बनाना है। पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा 28 कैरेक्टर का होना चाहिए और पासवर्ड के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा और पासवर्ड में अल्फाबेट नंबर तथा स्पेशल कैरेक्टर तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो चलिए हम चेंज लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम एक नया लॉगिन पासवर्ड बना लेते हैं। दोनों जगह पे सेम लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ बोला है न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी द सेम एज प्रीवियस 3 पासवर्ड। यानी पिछले 3 बार आपने जो पासवर्ड बनाया था सेम उस पासवर्ड को आप नहीं रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पासवर्ड को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज कर लिया है। अब चलिए साइन इन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए अभी हमने पीएनबी वन ऐप को एक्टिवेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम पीएनबी वन ऐप में लॉगिन करने के लिए अपने मोबाइल के फिंगरप्रिंट स्कैनर पे अपनी उंगली को रखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पीएनबी वन ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हुआ है,
ओके पर क्लिक करके इसे बंद कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर पीएनबी वन ऐप को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है और लॉगिन भी हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी पीएनबी वन ऐप को दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।